नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के बालिया जिले में भीमपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्री योगी बीर बाबा की कुटी पर रहने वाले साधु संत को प्रताड़ित किया जा रहा है और मारने पीटने की धमकी भी दी जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ के पुजारी श्री मुखराम दास महाराज, जो की इस कुटिया के मठाधीश है, उनका कहना है कि योगी बीर बाबा की कुटी की जमीन, जो कि लगभग 14 या 15 बीघा है, उसके बगल में खेती करने वाले लोग कुटिया की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। यहाँ पर जो वृक्ष है उनको कटवा कर बेच रहे हैं। श्री मुखराम दास महाराज जी विरोध कर रहे हैं तो उनको धमकाया गया कि कुटी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। बाबा ने सूबे के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन किया है कि योगी वीर बाबा की कुटी की जांच कराकर योगी वीर बाबा की कुटी की सुरक्षा गुहार लगाई। आइए आपको दिखाते हैं क्या है मामला। यूपी के बलिया जिला में भीमपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत योगी वीर बाबा की कुटी पर साधु संत को सताया जा रहा है। योगी सरकार में भी साधु संत को सताया जा रहा है। आइए साधु बाबा से पूछा जाए क्या है मामला यहाँ का। बाबा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुखराम। अच्छा, और कब से यहाँ पर रह रहे हैं आप? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। हमारे गुरु महाराज 108 साल के थे। जब वो बीमार पड़े तो हमारे तो ज्ञान वरदान भी लिए हैं, और जितना उनका मंदिर का बाबा के योगी भी बाबा के स्थान की जगह है, पेड़ पौधे हैं, तो सब यहाँ के गांव के लोग हैं जो जबरदस्ती हड़प रहे हैं। कहीं कोई अपना घर बना रहा है, कोई पेड़ काट कर बेच रहा है, और हम बोलते हैं तो हमारे को मारते भी हैं, गालियाँ भी देते हैं। अच्छा, विरोध करने पर मारते हैं और गाली भी देते हैं आपको? हाँ, बहुत सताते हैं। और यहाँ के मंदिर का चाबी अभी जैसे आपके पास ही रहता होगा कुटी का? नहीं, मंदिर का चाबी लेकर चले जाते हैं गाँव। अच्छा अच्छा। रामलीला कमेटी बनाए हैं, बाबा के स्थान पर साल भर में एक बार रामलीला लगाते हैं, और दान पेटी जितने हैं उनकी है, सब दान पेटी का पैसा लेकर चले जाते हैं, और चाबी भी लेकर अपने घर चले जाते हैं। यहाँ लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, परेशान होते हैं। पूजा पाठ करने आते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, मतलब मंदिर का चाबी वो लोग लेकर चले जाते हैं। हाँ, का मतलब ये है। अच्छा, और कब, मतलब कब सुबह मंदिर आकर खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं वो लोग? हाँ, मंदिर 6 बजे खोल देते हैं। 6 बजे से पहले भी लोग पूजा पाठ करने आते हैं तो मंदिर नहीं खुला होता है, काफी दिक्कत होती है। जी, बाहर से पूजा पाठ करके चले जाते हैं, फिर 6 बजे आकर लोग, गांव के लोग चाबी से ताला खोलते हैं बाबा का, और फिर सारा दिन खुला रहता है मंदिर। अब बहुत थाना पुलिस करने के बाद। अच्छा, थाने पर गए थे आप? थाने पर मामला गया था? जी, थाने पर गया था, सिपाही लोग आए और मंदिर को तो खुलवाए, बाकी चाबी लेकर शाम के टाइम चले जाते हैं। तो थाने पर गए, मतलब थाने पर से क्या मतलब जवाब मिला आपको कि चाबी किसके पास रहेगा? संत के पास रहेगा कि कमेटी के पास रहेगा? हाँ, एक कमेटी के साधु हैं, अपने तरफ से साधु एक चुने हुए हैं लोग, तो उनको जबरदस्ती चाबी दे रहे थे तो चाबी नहीं लिए, तो अपने आप लेकर चले जाते हैं चाबी। अच्छा, इसका मतलब कि आप स्कूटी के साधु संत थे, महंत थे, लेकिन आपको मंदिर का चाबी नहीं दिया जा रहा है, यही मामला है ना? हाँ, यही मामला है। और आपका खान पान भोजन पता ही, मतलब कि? हाँ, खान पान लकड़ी चूल्हा पर अपना भोजन, लकड़ी चूल्हा पर, इसी पर महाराज जी का खाना बनता है और महाराज जी इसी पर बना कर गुजारा करते हैं। उमेश यादव मेरा नाम है, ग्राम टीकापुर पोस्टरौली जिला बलिया का रहने वाला हूँ, और मैंने कई सालों से देख रहा था। एक साल तो मतलब छठ घाट से एक साल पूजा हुआ, पूजा होने के बाद मंदिर बंद हो गया। हमने आया एक बार पूजा पाठ करने के लिए, देखिए मंदिर बंद है, तो हमने सोचा कि
बाबा के स्थान का ये मंदिर सबका है, हमारा तो है नहीं, पर्सन किसी का नहीं है। हम समाज से पूछे कि गांव वाले बहुत लोग से यहाँ आए थे, पूछे कि भाई मंदिर क्यों बंद है, तो बोले कि अरे गांव वाले बंद किए हैं, कमेटी यहाँ बनाए हैं, मंदिर का कमेटी नहीं है, क्या बोलते हैं रामलीला होता है एक साल में, तो रामलीला कमेटी है। तो हमने बोला कि मान लीजिए मंदिर का मालिक तो बाबा होता है यहाँ का, मंदिर का सब कुछ देखभाल करते हैं वो, तो उनके पास हर व्यवस्था होना चाहिए, चाहे भी उनके पास रहती तो कोई भी आता, अगर मान लीजिए सरकार की व्यवस्था में भाई जो सरकार व्यवस्था करेगी वही ना जनता चलेगी, तो सरकार जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था में हमने कहा कि ठीक कोई बात नहीं है, समय से मंदिर बंद हो, समय से खुले हैं, जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री हैं उनके आदेशों अनुसार मंदिर चलना चाहिए हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं चला। यहाँ के गांव वाले अगल बगल के लोग बताते हैं, हम भी आते जाते हैं, हमारा भी बगल में घर है और बगल में खेती बाड़ी जो करते हैं, बगल में खेत है, वो लोग पूरा बाबा के हमने देखा पूरा उसमें मड़ई बना लिए हैं, लोग कब्जा करते हैं, अगर पेड़ कोई है तो काट के ले जाते हैं अपने घर, अपने बेचते हैं, हमको सब पता लगा लिए हैं। उसके बाद हमने कहा कि यार कहेंगे बाबा देखिए हम बहुत ऐसा किस्म के आदमी, हम समाज सेवक हैं, हम गलत नहीं होना चाहते, कोई गलत करे हमारे साथ चाहे किसी के साथ करे, अगर गलत करेगा तो हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने ये सोचा कि बाबा का मंदिर है, सब लोग मान लीजिए आते हैं दूर दूर से, मंदिर का चाबी खुलना चाहिए, मंदिर का ताला खुलना चाहिए। हमने अपने चाहे 1 रुपया लगा चाहे 100 रुपया लगा चाहे कितना अपना पेट्रोल फूंक करके इस पूरा इलाका कम से कम 5 कोस की चारों के मान में हमने कई हजार आदमी को इकट्ठा किया और बोले कि भाई हमने गलती किया या सही किया, अगर समाज से हमने पूछा ये बताइए, समाज लोग अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमको अगर दो झापड़ मारेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बताइए मंदिर का ताला बंद रहना चाहिए या खुला रहना चाहिए। बहुत लोग कहे कि योगी की सरकार में मंदिर सब बंद है, नहीं खुलेगा, हमें ठीक कोई बात नहीं है, मंदिर न खुले, मंदिर कोई आपत्ति नहीं है, मंदिर जो सरकार कर रही है उस सरकार की सिस्टम से होना चाहिए, हम उस पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई आता था यहाँ तो बाबा से हमने पूछा एक दिन कि बाबा ये बताइए मंदिर का चाबी कौन रखा है, तो बाबा बोले कि देखिए हम तो यहाँ पूजा करते हैं, पूजा बाबा के स्थान पर जा करके मंदिर को बाहर से धोते हैं, अंदर ताला बंद रहता है, वो लोग शाम को आएंगे अपना पूजा पाठ करेंगे, पूजा पाठ करके ताला बंद करके चले जाएंगे। तो हम लोग बोले कि भाई हम भी 10 लोग इकट्ठा किए, बोले कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मानने को तैयार नहीं थे। फिर हमने यहाँ बनपुरा थाना हमने कानवा की फ़ोन किया और मीडिया के लोग कुछ लाए थे, यहाँ राजू राय भी आए थे हैं, उसके बाद हमने उनसे कहा कि भाई देखिए हम नहीं चाहते हैं लॉकडाउन का समय है ऐसा व्यवस्था हो, लेकिन इसी में पूजा पाठ सब लोग कर रहे हैं। तो बोले कि चलिए हम लोग गए जा करके बनपुरा थाना बात किए, यहाँ के साहब बड़े साहब आए और बोले कि देखिए मंदिर है, मंदिर समय से खुलना चाहिए, वो चाबी जो है संत के पास रहना चाहिए। हम लोग ठीक है कोई कम से कम मंदिर का चाबी साधु संत के पास रहना चाहिए, हाँ रहना चाहिए, वो बोले कि संत के पास रहना चाहिए चाबी। इसी तरह की देश दुनिया और अपने आसपास की हर खबर और खबर के असर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ।